तो दोस्तों, अगर आप भी यहाँ पे Realme का डिवाइस यूज करते हैं तो जैसा कि आपको पता होगा Realme की कई सारी डिवाइस में Android 13 का जो न्यू अपडेट है वो यहाँ पे रोल आउट किया जा रहा है और Realme UI 4.0 सभी डिवाइस को लगभग जो है यहाँ पे जो लिस्टेड है उनको मिल रहा है। अब ऐसे में यहाँ पे जो भी इसका नोटिफिकेशन पैनल है उसको काफी ज्यादा इनहेंस किया गया है, काफी ज्यादा चेंज किया गया है Realme UI 3.0 के कंपेरिजन में या उससे पहले के जो है वर्जन के कंपेरिजन में। वीडियो को आप कंप्लीट देखिएगा, मैं इसके नोटिफिकेशन पैनल को यहाँ पे आपको इस वीडियो के थ्रू सारी इंफॉर्मेशन शेयर करने वाला हूं, क्या क्या चेंजेस देखने को मिलता है और नोटिफिकेशन पैनल जो है अब कैसे दिखता है, मतलब यहां पे अपडेट के बाद, क्योंकि ऑलमोस्ट आपको पता है Realme UI 4.0 का न्यू अपडेट हमको देखने को मिला है। तो यहां पे फुल रिव्यू की मैं बात करने वाला हूं नोटिफिकेशन पैनल को लेकर Realme UI 4.0 में। वीडियो को आप कंप्लीट देखिएगा। अगर आप इस चैनल पे नए आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक करके ऑल पे क्लिक कीजिएगा ताकि फ्यूचर में जब भी हम वीडियोस अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको हमारे वीडियो अपलोड करते ही मिल जाए। साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सोशल साइट्स के लिंक प्रोवाइड करवाए गए हैं, उनको जरूर से फॉलो कर लीजिएगा और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक है उसको भी आप जरूर से ज्वाइन कर लीजिएगा। तो दोस्तों, फाइनली यहाँ पे जो 4.0 का न्यू अपडेट है वो देखने को मिल गया है। फिलहाल मैं अगर बात करूँ इसके नोटिफिकेशन के यहाँ पे फुल रिव्यू के बारे में, तो जैसे मैं यहाँ पे इसका नोटिफिकेशन पैनल को नीचे करता हूँ तो फिलहाल आप देख सकते हैं इसका जो नोटिफिकेशन पैनल है बिल्कुल ही पूरी तरीके से यहाँ पे चेंज कर दिया गया है। और फिलहाल जो अभी नोटिफिकेशन पैनल आप देखेंगे ना तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से यहाँ पे आपको नोटिफिकेशन पैनल देखने को मिलता है। भाई पूरा ही यहाँ पे चेंज देखने को मिलता है अगर आप 3.0 अगर आपके पास होगा या फिर उससे पहले का कोई वर्जन है 2.0 हो या फिर 1.0 हो, तो फिलहाल आप देख सकते हैं किस तरीके से आपको देखने को मिलता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे जो मोबाइल डेटा का यहाँ पे जो ये ऑप्शन है किस तरीके से यहाँ पे जो है लैंडस्केप में कर दिया गया है। साथ ही साथ वाईफाई का भी आपको यहाँ पे लैंडस्केप में ये फीचर मिल जाता है, मतलब दोनों ही यहाँ पे इसको जो है इस वाले बार से हटा के ऊपर वाले सेक्शन में जो है ऐड कर दिया गया है, जो कि यहाँ पे इंडिविजुअली जो है दोनों को ऐड किया गया है। ठीक है, यहाँ पे आप वन टाइम में इसको डेटा को ऑन कर सकते हैं एंड यहाँ पे क्लोज कर सकते हैं। ठीक है, और एक बात और, अगर आप यहाँ पे कोई भी स्क्रॉल को आगे करते हैं तो आपका मोबाइल डेटा एंड वाईफाई सिमिलर आपको यहीं पे फिक्स जो है देखने को मिलेंगे, मतलब वो चेंज नहीं होगा। पहले आपको पता था यहाँ पे जो मोबाइल डेटा आता था उसको हम जब टैप करते थे तो टैप करने के बाद अगर हम स्क्रॉल करते थे इधर लेफ्ट पे या राइट पे तो वो भी बिल्कुल टर्न हो जाता था, लेकिन अभी आप देख सकते हो वो बिल्कुल फिक्स्ड है। यहाँ पे आप चाहे स्क्रॉल इधर करें चाहे राइट में करें या लेफ्ट में करें फिर भी जो है वो वहीं पे फिक्स्ड रहने वाले, जो कि मे बी आप जो है काफी जो है अच्छा लग रहा है, वैसे देखने में अच्छा लग रहा है भाई। बड़ा बड़ा जो है मोबाइल डेटा का एक ऑप्शन आ रहा है और यहाँ पे वाईफाई डेटा का एक ऑप्शन आ रहा है। ठीक है, तो ये चीजें हैं और कहीं ना कहीं नोटिफिकेशन पैनल आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से जो है देखने को मिल जाता है। पूरा मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देख सकते हैं, और मेरे पास यहाँ पे 4.0 का वर्जन है। मैं आपको एक बार जो है अपने डिवाइस के यहाँ पे अबाउट में जो है आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, ये देख सकते हैं 4.0 का ये लेटेस्ट वर्जन है और यहाँ पे जो नोटिफिकेशन पैनल है वो अभी तक मैं आपको दिखा रहा था। तो चलिए अभी फिलहाल से नीचे कर लेते हैं। देखिए, जब आप इसको अपडेट करेंगे ना तो जो आपका नोटिफिकेशन पैनल में ये जो दोनों ऊपर मोबाइल डेटा एंड वाईफाई है वो जो है वाईफाई आपका लेफ्ट साइड में होने वाला है, मोबाइल डेटा राइट साइड में होने वाला है। तो उसके बाद आप यहाँ पे टैप करके एडिट टाइटल से टैप करके यहां से इसको जो है मूव कर सकते हैं, चाहे जिधर करना हो उधर की साइड मूव कर सकते हैं, मतलब लेफ्ट को राइट में या फिर राइट को लेफ्ट में कर सकते हैं। तो यहाँ पे काफी अच्छी ऑप्शन मिल जाता है, मतलब दोनों ही आप जो है यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं जो नोटिफिकेशन पैनल है इसको चेंज किया गया है। और अच्छा, नीचे फीचर्स की बात करें तो नीचे भी आपको मोर फंक्शंस में जो है जब आप आते हैं तो यहाँ पे और भी कई सारे यहाँ पे ऑप्शन जो है ऐड करने को आप कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे QR कोड स्कैन वगैरह ऐड करना हो तो डायरेक्ट यहीं पे ऐड कर सकते हैं, मतलब ये चीजें ठीक है, यहाँ पे डायरेक्ट यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। और भी यहाँ पे आप देख सकते हैं नोटिफिकेशन वगैरह यहाँ पे ऐड कर सकते हैं और कुछ नए फीचर्स मिल जाते हैं, जेन मोड वगैरह इसको भी ऐड कर सकते हैं, बेड टाइम मोड वगैरह ऐड कर सकते हैं, रिमोट जो टीवी है गूगल टीवी के लिए यहाँ पे ठीक है इसको ऐड कर सकते हैं, सिक्योरिटी प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी को यहाँ पे ऊपर की साइड में ऐड कर सकते हैं। तो मतलब कई सारे फंक्शन इसी नोटिफिकेशन पैनल में एक्स्ट्रा भी देखने को मिल जाते हैं और कई सारे फंक्शन आपको पहले के भी देखने को मिलते हैं। तो कहीं ना कहीं नोटिफिकेशन पैनल को इस बार जो चेंज किया है। और साथ ही साथ आप देख सकते हैं यहाँ पे साउंड एम्पलीफायर का भी जो एक नया फीचर जो ऐड किया गया है। अगर मैं यहाँ से बैक चलता हूँ, यहाँ पे आप चलता हूँ, यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ तो देख सकते हैं साउंड एम्पलीफायर का न्यू ऑप्शन भी जो है यहाँ पे ऐड किया गया है। तो कहीं ना कहीं भाई जो नोटिफिकेशन पैनल है पहले के कंपेरिजन में काफी ज्यादा इनहेंस एंड चेंज किया गया है। तो होपली आपको ये नोटिफिकेशन जरूर से आया होगा। आप कमेंट में बताइएगा कि आपको ये नोटिफिकेशन पैनल कैसा लगा और जरूर से हमको भी जो है अपना ऑप्शन शेयर कीजिएगा। सो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू सो मच।